झांसी के मोठ कोतवाली क्षेत्र में करीब 7 से 8 लाख रुपए की चोरी की घटना सामने आई है। आपको बता दें, मोठ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रेओ में बीती रात्रि करीब 1 से 2 बजे के बीच ये घटना घटित हुई, जब कुछ चोर गांव के रविंद्र राजपूत पुत्र सोबरन राजपूत के घर में घुस गए और उन्होंने घर में सो रहे सभी लोगों के कमरों की कुंडियां लगा दी। बता दें कि रविंद्र राजपूत का घर 3 मंजिल बना हुआ है। 3री मंजिल पर रविंद्र के माँ बाप सोबरन राजपूत सो रहे थे, उनके कमरे की कुंडी लगा दी, रविंद्र के कमरे की कुंडी लगा दी और चोर 2री मंजिल पर स्थित एक कमरे में घुस गए, जहां पर बक्से में रविंद्र राजपूत के 3 से 4 लाख के बीच में नकदी रखी हुई थी, कुछ जेवरात रखे हुए थे, चोर उन्हें उठाकर चोरी ले गए। आपको बता दें, रविंद्र राजपूत ने बताया कि इस चोरी में उसके घर से करीब 3,63,000 रुपये नकदी और कुछ गहने, जिनकी कीमत उन्होंने 3-4 लाख के करीब बताई है, इतनी चोरी उनके घर पे हुई है। इस घटना के बाद से सनसनी फैल गई और मोठ कोतवाल संजय कुमार गुप्ता को इसकी जानकारी मिली, जो तुरंत ही घटनास्थल पर रात्रि को ही पहुंच गए। घटना की वारदात की जानकारी संजय कुमार गुप्ता ने ली, जांच की, इसके बाद से घटनास्थल पर ग्राम रेओ में झांसी की SOG टीम और फॉरेंसिक मोबाइल टीम भी पहुंची, सर्कल का पुलिस बल पहुंचा और पुलिस इस घटना की जानकारी में लगी हुई है। आपको बता दें, ऐसी ही घटना पिछले दिनों मोठ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भुजौद में हुई थी, जहां पर कुछ डकैतों ने तमंचे के बल पर डकैती की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें भी करीब 7 से 8 लाख रुपए की डकैती हुई थी। पुलिस अब तक उस घटना का अनावरण करने में नाकाम है और ये एक और घटना घटित हुई है। पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, देखना होगा पुलिस इन दो मामलों का खुलासा कर पाती है या नहीं। सहयोगी नीलेश कुमार के साथ मैं मनोज कुमार निराला, News 30 Express टीम झांसी। हमारी घर चोरी हुई है सर, ये रात में 1:30 बजे के लगभग, समथिंग 1:30 या 1 बजे के टाइम हुई है। चोरी में नकदी रुके गए हैं 3 लाख के ऊपर और ये बैठ गया है पूरा शादी का, करीब हुई कम से कम 6-7 लाख का जेवरात था जब बंद है और 3,63,000 का नकदी लेगा रुपये। हाँ दी है, बिल्कुल पता भी नहीं चला सर, क्योंकि ऊपर पापा लेटे थे हमारे ऊपर वाले रूम में, वहाँ की चोरों ने कुंडी लगा दी और हम अपने रूम में लेटे थे तो हमारे रूम की दोनों तरफ से कुंडी लगा दी चोरों ने और वो अपना काम करती रही। जब पापा को बाथरूम लगी है रात में, तो मैंने 2 बजे वो गेट खोले अपने, तो वहाँ कुंडी लगी मिली, तो कुंडी लगी मिली तो मैंने सोचा रविंद्र ने लगा दिया हुआ मतलब कुंडी, तो हमें मुझे फ़ोन किया तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं आ रहा हूँ खोले भी, तो मैं अपने बिस्तर से उठा, मैंने अपने गेट खोले तो मेरी भी कुंडी लगी, तो मैंने सोचा दूसरा गेट खोलूँ बाहर वाला गेट खोला तो वहाँ भी कुंडी लगी सर, तो फिर मैंने हमें सर स्टाफ वालों ने लगवा दिया है पुलिस थाने मोड़ से।